इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। जय जय संत श्रोमणी गुरुराचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की। जय 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 नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय 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 गुणायतन प्रणीता संका समान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय 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 मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति गुरुवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से ये कहना चाहूँगा परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर इंदौर एक इतिहास रचेगा और पूरा देश इस इंदौर के इतिहास का साक्षी बनेगा। आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की आराधना करने का इंदौर के साथ साथ पूरे देश और विदेश के श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन वो महासौभाग्यशाली परिवार हैं जो 108 मंडल की एक साथ पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आवास व्यवस्था से सामान्य इंद्रदानी की 31,000 रुपये की, बिना आवास के 21,000 और सिंगल इंद्रदानी के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। और एक अवसर आपको और मिल रहा है, अगर इस अनुष्ठान में आप इंद्रदानी के रूप में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं और मंडल लेके सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो आपको एक अवसर प्रारंभ हो रहा है। जीवन में एक भाव होता है कि पंच कल्याणक में हम भगवान के माता पिता स्वधर्मिंद आदि बन के अनुष्ठान करें, भगवान की प्रतिष्ठा करें। तो जैसे ही 17 तारीख को पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न होगा 18 तारीख से इसी मंडप में गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज का पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम 18 से 23 तक प्रारंभ होगा। और इस अनुष्ठान में जो भी महापात्र बनना चाहते हैं महापात्रों का चुनाव आगामी 3 तारीख या 10 तारीख के बीच में ये संपन्न होगा। जो भी स्वधर्मी ईशान सानत कुमार महेंद्र महायज्ञ नायक भरत बाहु कुवेल और भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं वे कमेटी के पदाधिकारी संपर्क करके आप अपने पद को आरक्षित करा सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर से निवेदन करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती त्रिशला जी धर्मपत्नी स्वर्गीय पदम सेन जी जैन चंडीगढ़, स्वर्गीय रमेश चंद जी गुलाब चंद जी वाकलीवाल जैन की स्मृति में श्रीमती पुखराज जैन इंदौर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान केवल चंद जी, श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती सरोज जी, संभव जी, सम्यक जी, सोनल जैन ललितपुर निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और सूत्रधार के रूप में श्रीमती मैती सरैया धनपत्नी करण सरैया सूरत गुजरात, इनके भावों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए मैं निर्माण में परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अशरफी लाल जी जैन स्वर्गीय जगमोहन लाल जी जैन उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिन्होंने आज निर्माण मित्र के रूप में रहते से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। हमारे चातुर्मास के यजमान मुकेश जी पाटोदी और अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान अशरफी लाल जी स्वर्गीय जगमोहन लाल जी जैन उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उनका महोत्सव कमेटी और धर्म प्रवाहना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और
एक सूचना और देना चाहूँगा, बाहर के जितने भी मंडल पुण्याजक हैं, जितने भी इंद्रदानी जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी के लिए विशेष सूचना है, 6 तारीख की शाम तक यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। 7 तारीख से हमारा महाअनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा और 7 तारीख को ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पहली पूजन सम्पन्न हो जाएगी। आइए, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज्य मिली अनुसंधान सागर जी महाराज से, आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए जोरदार जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मिली श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान अपन चलते हैं गुरु चरणों में और प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रश्न के लिए, जहां 2 दिन से उनको अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा। ऐसे अनीता जी जैन कटनी अपने बीच में है, अनीता दीदी अपना पहला प्रश्न करेंगी और उसके बाद में रूपाली जी जैन इंदौर तैयार रहेंगे। हाँ दीदी बोलो। रत्नत्रयधारी त्रयमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। उत्कृष्ट चर्या को पालन करने वाले सभी छुल्लक जी चरण महाराज जी के चरणों में नमन नमन नमन। महर्षि कहते हैं कुछ भी कहना बहुत कठिन होता है, उससे भी ज़्यादा कठिन होता है सुनना, और उससे भी ज़्यादा कठिन होता है सहना, और उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन होता है सब कुछ भूल करके सामान्य हो जाना। जबकि सामान्य रहना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन इसको इतना कठिन क्यों बना दिया? बहुत अच्छा सवाल है। कहना, सुनना, सहना और सहज बने रहना, ये चारों उत्तरोत्तर कठिन से कठिनतर। और ये इसलिए है कि ये सब हमारे गुणात्मक विकास के द्योतक हैं। कहना या बोलना कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति ही नहीं। श्रवण करने की क्षमता केवल कर्णेन्द्रीय संपन्न जीवों के पास, बोलने की क्षमता तो 2 इंद्रिय से शुरू हो जाती, इसे सुनना भी दुर्लभ है। सहना एक साधना है, जिसके जीवन में सकारात्मकता विकसित होती है, आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होती है, वो जो साधना की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है वो सहज रहता है। तो ये दुर्लभतर है, समझ गए? आम में मोर आना कहने जैसा है, छोटी छोटी कैरी उगाना ये सुनने जैसे। कैरी का कच्चा आम बन जाना सहन करने जैसा है, और आम का पक जाना सहज रहने जैसा है। जो उत्तरोत्तर विकासशील अवस्था है हमें वैसे देखना। नमस्तु महर्षि, नमस्तु। आज अपने बीच में प्रभाष गिरी से वहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर पीके जी बदोरा अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ उपस्थित गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जो डुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और मैं चाहूँगा कि वहीं पर धर्म प्रभावना समिति वे अपना सीधा सीधा प्रश्न गुरु चरणों में करें, डॉक्टर पीके जी बदोरा, और उसके बाद में विक्की विवेक जी कुंकुरी, गुणायतन ट्रस्टी जो रात दिन अहर्निश सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे विवेक भैया तैयार रहेंगे। हाँ बोले। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। महाराज जी, हम लोग प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र के बगल में चंपाहा बाजार समाज से हैं। हम लोग का बहुत छोटा समाज है, हम कौशाम्बी नगरी में पद्म प्रभु के 4 कल्याणक हैं, उस क्षेत्र से हमारा प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र बहुत ही
होना चाहिए, लेकिन हम लोग लगातार छोटा समाज होने की वजह से नहीं करते। हम लोग क्या उसमें ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से हमारा वो तीर्थ समाज, क्योंकि हमारी आस्था का विषय है, हम कोई भी तीर्थ करते हैं तो बिना उसके तीर्थ के करें हम लोग का तीर्थ पूरा नहीं मानते, लेकिन वहाँ लगातार कुछ प्रयास करने के बावजूद वो क्षेत्र हमारा उभर नहीं रहा, उसमें हम लोग का क्या विशेष प्रयास करें? प्रभासगिरी के बारे में बोल रहे हो ना, चंपाहा के बारे में बोलो कि प्रभासगिरी के? प्रभासगिरी के बारे में। देखो प्रभासगिरी तो इन दिनों बहुत अधिक, अभी तो उसका उदय काल चल रहा है और बहुत लोग वहाँ जाने लगे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें, और जो भी वहाँ जाता है अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। यहाँ अध्यक्ष महोदय तो कई बार प्रभासगिरी की चर्चा कर चुके कि जब से वहाँ होके आया अशोक जी दोषी महाराज जी, प्रभासगिरी बहुत रमणीय क्षेत्र है, और जब से डॉक्टर भदौरा साहब के नेतृत्व में वहाँ का काम आगे बढ़ा है, क्षेत्र में बहुत अच्छी रौनक आई है। आप लोगों को चाहिए कि ऐसी एकजुटता बनाए रखे और सब लोग साथ मिलकर काम करें। आशीर्वाद। अच्छा सर, एक बार अनुरोध है कि एक बार आपका भावना भाव। चलो आगे नेक्स्ट। विवेक भैया, विक्की भैया, कुंकुरी गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हरीश चंद जी, कांता जी जैन, दिल्ली। सब इकट्ठे आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म में धनतेरस त्यौहार का क्या महत्व है? धनतेरस के दिन युवा पीढ़ी के लिए कैसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है? क्या सोना चांदी खरीदने के अलावा कोई ऐसी परंपरा है जिन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए? देखिए, धनतेरस, तेरस में ही धन लगा तो आप समझ लो धन तो सबको इष्ट है, प्रिय है। और धनतेरस की जो लोक प्रसिद्ध कथा है उसके अनुसार लोग अपना अनुवर्तन करते हैं और कुछ ना कुछ खरीदते हैं। ये लौकिक दृष्टि। जैन धर्म विशुद्ध आध्यात्मिकता को प्रमुखता देता है। जैन दर्शन में ऐसे तो धनतेरस को कोई अलग से महत्व नहीं दिया गया, फिर भी यदि धनतेरस को आप देखें तो भगवान महावीर के जीवन काल की एक महत्वपूर्ण घटना तेरस के दिन घटी। भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश हस्तिपाल राजा के इस सभा में धन तेरस के दिन दिया था। उसके बाद दो दिन तक निरंतर योग निरोध की क्रिया में संलग्न रहकर कार्तिक कृष्ण के अंत में स्वाति नक्षत्र में चतुर्दशी के अंत यानी अमावस की प्रातः वे पावापुर से परम निर्वाण को प्राप्त किए। तो वह तेरस धन्य हो गई जिस दिन भगवान को हम सबको आखिरी उपदेश मिला। तो धन्य तेरस थी, लोग उसे धनतेरस के रूप में जोड़ने लगे। ये हम लोग आजकल कह देते हैं, लेकिन जहां तक धनतेरस का सवाल है, भगवान महावीर के पहले भी जिस मान्यता में धनतेरस की प्रसिद्धि है लोग मनाते होंगे, पर जैन धर्म की दृष्टि से अगर उसकी संगति बिठानी है तो भगवान महावीर के योग निरोध की क्रिया से जोड़ सकते हैं। आप कोई चीज खरीदो लाओ, धातु सोना चांदी गाड़ी घोड़ा, उससे मुझे कोई परहेज नहीं, पर इस आशा से कि धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि होगी, ये धारणा उचित नहीं। जो लोग धनतेरस नहीं मनाते क्या उनके यहाँ सुख समृद्धि नहीं होती? भारतवर्ष को छोड़कर जिनकी भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था नहीं, जो भारतीय धार्मिक मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, क्या उनके जीवन में समृद्धि नहीं होती? होती है ना? पर ये सबकी अपनी अपनी आस्था का सवाल है। लोक जीवन में जीने वाले लोग
लोक संपर्क और लोक रीतियों से अप्रभावित नहीं रहते और उनसे प्रभावित होकर चीजों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये धारणा अच्छी नहीं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सारे त्योहारों में लोग दिवाली को विशेष रूप से देखते हैं, हमारी दीपावली अच्छी गई तो साल अच्छी जाएगी, दीपावली खराब गई तो साल खराब। मैं तो कहता हूँ मन में दिवाली जगा लो, पूरा साल अच्छा होगा, हर दिन अच्छा होगा, ये प्रयास करना। हरिश्चंद जी, कांता जी जैन दिल्ली, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, ये भी रात दिन सेवा में, गुरु सेवा में लगे रहते हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और उसके बाद में अपने बीच में आज नेमी नगर जैन कॉलोनी से यहाँ पर कमेटी भी उपस्थित है और श्रावक गण भी उपस्थित हैं, वे अपने प्रश्न भी रखेंगे और बात भी रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी। हे गुरुदेव, कोई श्रावक असाध्य रोग से हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अंत समय में चारों प्रकार का होश पूर्वक आहार त्याग करके और परिग्रह त्याग करके उसका शरीर छोड़ता है, तो उसकी कौन सी गति होगी और कितनी भव रहेगी? अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पर भी आहार जल का त्याग कर समता पूर्वक अपना शरीर छोड़ता है तो वो सुमरण कहलाते, समझ गए? इसे सम्यक मरण के अंतर्गत लिया गया है तो वह सदगति का पात्र है। महर्षि के कितने भाव रह जाते हैं? अगर विधिवत भक्त प्रत्याख्यान करता, संलेखना लेता, तब उसे मरण कहा जा सकता, और ऐसा जी 2-3 भाव या 7-8 भाव तक मोक्ष जाता। लेकिन इस मरण को सुमरण कहा जाता है, सम्यक मरण कहा जाता है। इसमें मुक्ति कब मिलेगी कह नहीं सकते, पर वो सदगति का पात्र जरूर बने। ओम। आगे नेमी नगर जैन कॉलोनी इंदौर, श्रावक गण और वहाँ की ट्रस्ट कमेटी गुरुचरणों में निवेदन कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में पटना से, पटना नहीं मुंबई से, मुंबई से जैन कमल जी यहाँ उपस्थित हैं, वे तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नेमी नगर जैन कॉलोनी में 250 घर है, सब दिगंबर जैन है, कोई भी नॉन जैन नहीं है। आपके लिए हम पलक पावड़े बिछा के आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी हमें स्वीकृति चाहिए। और महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है, जैन धर्म और जैन दर्शन में कौन श्रेष्ठ है, कृपया बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने निवेदन किया है, भावना भाई है, जब आपका योग बनेगा जरूर आपको लाभ मिलेगा। आपने पूछा जैन धर्म और जैन दर्शन में कौन श्रेष्ठ। जैन धर्म और जैन दर्शन दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू, जो हमारा आचार विचार आचार व्यवहार दिखता है वो धर्म है, और इस आचार व्यवहार के पीछे जो सुदृढ़ विचार है वो जैन दर्शन है, समझ गए? तो बिना दर्शन के धर्म नहीं चलता और बिना धर्म के दर्शन नहीं पलता, समझ गए? दर्शन विचार है और धर्म आचार है, दोनों साथ साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ें। शब्दों में जान डालने वाले ऐसे जैन कमल जी मुंबई, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। मंच पर आ जाएं जैन कमल जी, गुरु के जो सपनों को साकार करने में अहर्निश ये भी अपने सेवाएं दे रहे हैं और लगे हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी और मुख्य यजमान इस पूरे चातुर्मास के मुकेश जी पाटोदी आ जाएं और वे जैन कमल जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए और उसके बाद में तैयार रहेंगे रूपाली जी जैन इंदौर। हाँ, डीके जैन आ जाओ। नवीन जी आ जाएं, डीके जैन साहब आ जाएं। हाँ बोले। हाँ, हाँ। कमल भैया, प्रभु जी चरण स्पर्श और सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श। मुझे पता नहीं था कि जैन धर्म क्या है, पैदा तो जैन धर्म में हुआ हूं, लेकिन
15-16 साल पहले जब गुरुदेव ने बोला भावना योग की कल्पना, तो एक ड्राइंग बनाई मैंने, जो आज 50 लाख के आसपास व्यूवर्स रोज देख रहे हैं, भावना योग की ड्राइंग जो है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि 14 गुण स्थान क्या है। अब 14 गुण स्थान गुणायतन में बहुत बड़े पैमाने पे बन रहा है, मुझे ये नहीं पता था 14 गुण स्थान क्या है। लेकिन जब मैंने ये ड्रॉ किया था तो इतना प्यार आया गुरुदेव के साथ सोच में, मैं बॉम्बे रहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था, आप पीछे देखेंगे तो गुण स्थान गुणायतन के लोगों में 14 पंखुड़ियाँ बनी हैं, जो 14 गुण स्थान 15-16 साल पहले ही बिना सोचे समझे भावना में आ गई और भावना योग का निर्माण हो गया। तो बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना और गुरुदेव की बातों को समझना। और एक जर्नलिस्ट हैं हैदराबाद में, उन्होंने लिख के बोला है, जो गूगल नहीं बता सकता वो प्रमाण बता देता है, आध्यात्मिक संतों में सेलिब्रिटी ये गूगल गुरु कहने जाने लगे हैं। हर शंका का समाधान इस पर प्रमाण के साथ होता है, विद्या सागर के तरासे हीरे प्रमाण सागर हैं। जीवन जीने का सही तरीका भावना योग से बता दिया गया है। तत्व विद्या के गुण बातों को 4 बातों में सिखाने की कोशिश की गई है। गुणायतन का निर्माण कर जैन प्रयोगशाला की नींव रखी गई है। सामाजिक उत्थान के कार्य पर युवाओं को नव चेतना की सीख दी गई है। जब उठी धर्म पर उंगली, धर्म बचाने को खड़े हुए। संलेखना आत्महत्या नहीं, एक पूरा विश्व में जैन की एक क्रिया है। इस धरा को गौरवशाली किया जब हुआ पार्श्वनाथ निर्माण, 4 भाई बहनों के दूज, माँ बाप को भी किया महान। ये स्वाति जैन एक पत्रकार हैं हैदराबाद में, उन्होंने अभी आज सुबह बोला है और गुरुदेव से बोला गया है कि बता दें तुम उनके बारे में। जय जिनेन सभी लोगों को, जय जिनेन। सवाल भी है, चलिए मैं चाहूँगा एक बार जैन कमल भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के एक अति विशिष्ट प्रतिभा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। इन्हें अक्षर शिल्पी के नाम से जाना जाता है। आज आप देखते हैं विभिन्न अखबारों में, जितने भी प्रतिष्ठित अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके फॉन्ट को ये सुनिश्चित करते हैं। पर इनकी एक विशिष्ट साधना है, जैसा अभी आपको बताया, भावना योग का लोगो तो इन्होंने बनाया ही। अभी मैं आपको बताऊं, ये आ जाए हैं भक्तामर की जो पुस्तक प्रकाशित होनी है उसका कवर डिजाइन करके लाए हैं, बहुत अद्भुत उसका कवर इन्होंने डिजाइन किया। और सब प्रेरणा से, ये नियमित श्रोता हैं प्रवचन के, घर बैठे ये और इनकी धनपत्नी बेला जी सुनते रहती है, और तभी इनका मैसेज आया कि भक्तामर का कवर मैं डिजाइन करूँगा। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या होगा, और इन्होंने जो डिजाइन किया है वो अपने आप में अद्भुत है। इनकी सबसे बड़ी साधना, इन्होंने लाखों नमोकार मंत्र को अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है, लाखों। इनके अनेक कितने हैं टोटल प्रभु जी? 9.5-10 करोड़ के आसपास है। 25 साल से मैं सुबह रात में 11 से सुबह 5 बजे तक। बहुत सुंदर। और ये अंकित करते हैं और आज ये अपने बीच है, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें। और इनकी एक एग्जीबिशन यहाँ सिद्धचक्र महामंडल विधान में भी लगेगी, जिसकी रूपरेखा भी सबके साथ बैठ करके बनाएंगे। एक बार पुनः इनका अभिनंदन। एक पेंटिंग प्रभु जी, श्री महावीर जी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ के ध्यान केंद्र को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जहाँ 400 से ज़्यादा अद्भुत मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे हमारी एक पेंटिंग परमानेंट लगी है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा नमोकार मंत्र लिखे हुए हैं, आप देख सकेंगे। 10 लाख के आसपास की वो वस्तु है जो वहाँ लगी है और एक परमानेंट जगह पे लगी है। आज अपने बीच में, जैसा कि कल गुरुवार वहाँ बिटसुट आश्रम जो यहाँ का इंदौर का कलर कॉलोनी में, वहाँ गए और उस समय रूपाली जी वहाँ पर उपस्थित, जो वहाँ रात दिन अपनी सेवाएं दे रही है, ऐसी वह रूपाली जी
जिनको गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गुरुवर का जैसा भाव कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सिखा दो और खिला के खाओ, वही बात कर रही है। ऐसी रूपाली जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही और अपनी बात भी रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश चंदन वाला जी पाटो दी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सब सर्वप्रथम आचार्य श्री की प्रेरणा से जो मैंने कार्य, वो कार्य की शुरुआत तो 2010 में हुई गुरुदेव, लेकिन 2016 की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सुशील भाई डबडेरा जी उनसे मिलने गए आचार्य श्री से, तो उनके हाथों मैंने आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु भेजा। आचार्य श्री ने उनको कहा कि एक दिन यह सबसे कठिन असामान्य पुरुषार्थ करेगी। जब सुशील भाई ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हूँ, कुपोषण पर काम कर रही हूँ, ये कौन सी असामान्य या कठिन कार्य है, पूरे भारतवर्ष में बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन वो तो आचार्य नहीं, वो तो आचार्य भगवान थे, उन्हें पता था कि एक दिन मैं कौन सा कार्य करूँगी। और वाकई में आज उन्हीं के आशीर्वाद से भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं या जो नहीं चाहते हैं कि हम समाज में सम्मान से रहें, उनके पुनर्वास का कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भिक्षुक पुनर्वास केंद्र परदेसीपुरा में जब गुरुवर का आगमन हुआ कल, तो ऐसा लगा कि आचार्य श्री स्वयं उस धरा पर पधारे हैं और मेरा मानव जीवन सार्थक हो रहा है। गुरुदेव, एक प्रश्न जरूर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैं ये अभियान चला रही हूँ, इसमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें बेड रिडन लोग भी हैं, जो जिनके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार भी मैं खुद मुखाग्नि देकर कर रही हूँ, उनका इलाज कराती हूँ। लेकिन कई बार मन में ऐसा लगता है कि मैं इन्हें बचा सकती थी पर बचा नहीं पाई, या कोई ऐसे कार्य में कहीं मुझसे कोई अविनय हो रहा हो, तो उसका प्रायश्चित या उसका मन से कैसे मैं निकाल सकती हूँ? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन का जोरदार अभिनंदन करें। कल भी मैंने चर्चा की थी, निश्चित ये जो कार्य कर रही हैं मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कल जब मैं उस भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में गया था, मन में बड़ा आनंद आया। इस तरह का भी काम, और वह भी एक ऐसी प्रोफेसर लड़की जो अमेरिका में किसी अमेरिकी कंपनी में अपने अच्छे जॉब और अच्छे पैकेज को छोड़ करके ऐसे कार्य में लगी है और अपना सर्वस्व अर्पित कर रही है, ये बहुत बहुत अभिनंदनीय है और अनुकरणीय है। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ और लोगों से अपेक्षा रखूँगा ऐसे कार्य करने वाले को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। कल मैंने अनेक बच्चों लोगों से चर्चा की जो इनके साथ थे, जो कोई महाराष्ट्र से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई दूसरे प्रदेशों से, 40-40 साल पुराने लोग भी जो यहाँ भिक्षाचरी करते थे, आज सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, मेरा ये सुझाव। और हालाँकि ये कर भी नहीं है, उन सबको शुद्ध शाकाहारी बनाओ, नमोकार मंत्र के आराधक बनाओ, आप बना ही नहीं हैं, तो ये और एक अच्छा कार्य होगा। जहाँ तक सवाल है उनके अंत्येष्टि आदि करने की, या बचा सकते थे बचा नहीं पाए, एक बात ध्यान रखना, ना हम किसी को बचाने वाले हैं, ना हम किसी को मारने वाले हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म ही उसे बचाता है और कर्म से ही वो मरता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, जो अच्छा निमित्त बनता है उसको अच्छा परिणाम मिलता है, और जो बुरा निमित्त मिलता है उसे बुरा परिणाम मिलता है। हम यथासंभव अच्छा निमित्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहे। नमोस्तु। पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश चंदन बालाजी पाटोदी परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अलका सचिन सुब जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, एक दिन आप विहार करके यहाँ से गए, पूरा पंडाल सूना पड़ा था, कोई नहीं था महाराज जी, तो ऐसा क्या आप में जादू है महाराज जी कि एक दिन आप चले गए, पूरी जनता आपके साथ चली गई, हम भी आपके साथ चले गए,
महाराज जी यहाँ पूरा पंडाल पूरा खाली पड़ा था। अब महाराज जी आप ये बताइए कि आपका तो अनियत विहारी है, आपकी पता नहीं कब आपका विहार कब कहाँ हो जाए, तो हम महाराज जी सुनेपन को कब कैसे ख़त्म करेंगे महाराज जी? देखो सबसे पहले ये बताओ, ये बाहर क्यों आई और सूनापन क्यों आए? बाहर किसके लिए आई? ये पंडाल किसके लिए बनाया? आपके लिए महाराज जी। तो जब वो है तब तक बाहर है, वो चला गया तो सूनापन है। तो बाहर बनाए रखना चाहते हो तो जिसके लिए बाहर है, जिसके साथ बाहर है उसके साथ रहना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन में भी बाहर ही बाहर, सोचने की बात ही नहीं। और कहीं रहोगे तो ये बुखार आएगा, इसलिए अपने अंदर बाहर चाहिए, तो यही प्रयास करें। ओ हाँ जल्दी बोलो। अलका सचिन शुभ जैन इंदौर, अपना प्रश्न करें जल्दी से और उसके बाद में डॉक्टर प्रकाश जी जैन इंदौर पूर्व मंत्री प्रवार समाज। सभी मुनि महाराज जी के चरणों में नमोस्तु एवं चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी सर्वप्रथम मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका चातुर्मास हमारे शहर में हुआ है, और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ताम्र आपका सानिध्य हमें इसी तरह प्राप्त होता रहे। भगवान जी मैंने जिंदगी में इन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा जितना आपके सानिध्य में रहते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कई बार प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, जैसे कि करियर में आगे क्या करें या फिर जॉब करें या बिजनेस करें, तो ऐसी डिलेमा की कंडीशन में निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है और हमारे निर्णय पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो हमें ऐसा उपाय बताइए कृपया करके और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा सही निर्णय लें और सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। कल ही मैंने इस आशय का सवाल आया था, उत्तर दिया। ये दुविधाएं किसको होती? जिसके अंदर विश्वास की कमी होती है, अनुभव की कमी होती। तो एक तो अपना विश्वास प्रगाढ़ बना और दूसरा अपने अनुभव को बढ़ाओ। विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए अपने अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, जिससे अपना आत्मविश्वास बढ़े। आत्मविश्वास से भर करके अपनी पृष्ठभूमि और अवसरों को देखते हुए निर्णय लें। जीवन के आरंभिक दौर से जो व्यक्ति औचित्य के अनुरूप निर्णय लेता है उसके निर्णय प्रायः सही होते हैं, वो कभी अपने निर्णयों में विफल नहीं होते। दूसरी तरफ से अनुभव स्वयं से आता है या दूसरे अनुभवियों के संपर्क से आता है। पहली कोशिश करें स्वयं के अनुभव से कुछ सीखने की, और अगर नहीं है तो हम अनुभवी नहीं हैं तो अनुभवियों से परामर्श ले लें, जिनको इसका अनुभव उनसे मार्गदर्शन दें और उनके निर्णयों को अपना निर्णय बनाएं और खुद के अंदर इतनी क्षमता रखें कि गलत निर्णय को भी अच्छे परिणाम से जोड़ सके, उनसे सीख ले। डॉक्टर प्रकाश जी जैन इंदौर पूर्व मंत्री परिवार समाज। और उसके बाद में बंधुओं, आज यहाँ पर गुरुवर के सानिध्य में जो आगामी 7 से लेकर 17 तारीख तक एक इंदौर में नए इतिहास की रचना होने जा रही है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, उसके लिए सभी मंदिरों के यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं और वे पदाधिकारी अपने स्थान पर एक साथ सब खड़े हो जाएंगे और उनमें प्रश्न करेंगे। जैनेश जी झांझरी रथ यात्रा संयोजक, नमोस्तु भगवान। चलेगा इनको दो दो अभी दो सब खड़े। हाँ प्रकाश जी अपना प्रश्न करो, आधे ऊपर ठीक है, रन दो वो भी है, आधे आधे हो जाए ठीक है। बोल समस्त परिवार समाज की ओर से आपके श्री चरणों में बार बार नमन। भगवान हमारा तो एक ही निवेदन है, चंदा प्रभु जिनाले मल्हारगंज में 700 साल पुरानी भगवान चंदा प्रभु जी की प्रतिमा विराजमान है। आचार्य भगवान के दोनों चातुर्मास में हमने निवेदन किया और हमारा सौभाग्य रहा कि दोनों चातुर्मास में भगवान के चरण हमारे यहाँ पड़े, और हम पूरी उम्मीद करते हैं, नहीं पूरा विश्वास है कि आपके चरण भी हमारे चंदा प्रभु जिनाले में पड़ेंगे। भगवान मेरा ये प्रश्न है, अपन मंदिर में जाकर सुबह घंटा बजाते हैं और 12 बजे उस घंटे को बांध देते हैं, पर जब रात्रि होती है तो अपन बहुत धूमधाम से ढोलक बजा के, तबला बजा के, हारमोनियम बजा के आरती करते हैं और भक्तामर जी का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, और यहाँ तक कि 2-2, 3-3 बजे रात तक भी अपन भजन करते हैं, उसमें भी महाराज जी शोर होता है। तो भगवान मेरा ये प्रश्न है उसका। देखिए बहुत अच्छी बात की, सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग घंटा क्यों बजाते हैं, दूसरी बात रात्रि में घंटा क्यों नहीं बजा। घंटा स्वयं के लिए सतर्क बनाने का प्रतीक,
खुद को सतर्क बनाने के लिए घंटा बजाया जाता, सावधान हो जाओ, अलर्ट। त्रिलोकीनाथ के हम गए, हमने घंटा बजा, टन, हम सावधान हो गए, अपने तन मन को सजग कर दे, सावधान कर दे कि हम त्रिलोकीनाथ के दरबार में आए हैं, इधर उधर के सारे संकल्प विकल्प छोड़। दूसरी बात, जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटा से उत्पन्न जो ध्वनि की तरंगे सीधे हमारे मस्तक पर गिरती, उससे हमारे अंदर अल्फा तरंगे ज़्यादा क्रिएट होती। अल्फा तरंगों के क्रिएट होने से एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती, और ऐसी आनंदानुभूति तभी होगी जब हम घंटा बजने के बाद कुछ पल वहाँ खड़े रहें और उस नाद को, उस ध्वनि को, उस ऊर्जा की तरंग को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करें। तो पहली सलाह तो किसी को भी मैं ही दूंगा कि घंटा बजाइए तो हड़बड़ा के मत बजाइए, घंटा बजाइए, दोनों हाथ बांधिए, जोड़िए, सामने प्रभु की छवि को देखिए, अपने मन को हर्ष से भरिए और घंटा से उत्पन्न उस ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत हो करने की कोशिश कीजिए। पहली बार तो घंटा इसलिए बजाया जाता है, पर घंटा जो है घन स्वर है, घन स्वर बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न करता है। रात्रि में घंटा बजाने से एक साथ टंकार की आवाज़ आती है, टन, तो उससे पशु पक्षी जो विश्राम रत रहते हैं उन्हें डिस्टर्बेंस हो सकती है, उन्हें व्यवधान हो सकता है, इसलिए ऐसा व्यवधान ना हो, इस संवेदना से रात्रि में घंटा नहीं बजाई जाती। और इसीलिए हमारे सुबह के कार्यक्रम होते ही ऐसी व्यवस्था है मंदिरों में कि उसे बांध दिया जाता है ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे। अब आपका सवाल है ढोल मजीरा बजता उसका क्या है? तो ढोल मजीरा भी वाद्य है, आवाज़ तो उसमें है, लेकिन ढोलक के स्वर, तबले के स्वर, नगाड़े की आवाज़ और घंटे की आवाज़ में बड़ा अंतर, समझ गया? इसलिए घन तत् वितत् घन सोसिद, इसमें तत् वितत् और सुसिद वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन घन जो है एकदम घन के प्रहार जैसा होता, इसलिए उससे बचना चाहिए। हालांकि अधिक शोर से हमें सर्वत्र बचना चाहिए, ठीक है? नमोस्तु भगवान। हाँ, भगवान हमारा तो एक ही निवेदन है, आंखें आपकी आग हो, आंसू हमारे हों, होंठ आपके हो, मुस्कान हमारी हो, दिल आपका हो, धड़कन हमारी हो, तप आपका हो, पुण्य आपका हो, और जितो जो पुण्य हो सब हम सबका हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। जयनेश जी अगला प्रश्न कर रहे हैं और उनके साथ में है पूरे इंदौर समाज के सभी पदाधिकारीगण, सभी मंदिर गुरुदेव, समस्त गुरु संघ के चरणों में, आचार्य संघ के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव, विगत चूंकि 4-5 माह से ही आपके सतत दर्शन करने का और आपके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये जाना कि आप दूरदृष्टि धारक हैं, दृष्टि ज्ञाता हैं, दिव्य ज्ञानी हैं। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है उसका कई किलोमीटर आगे से आपकी सोच प्रारंभ होती है। गुरुदेव, जो 108 रथ रथावर्तन और 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है धर्म प्रभावना समिति के, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अभय भैया जी के मार्गदर्शन में धर्म प्रभावना समिति के अशोक जी, हर्ष भैया, नवीन जी, आनंद जी गोदा, हमारे डोसी जी साहब, मुकेश जी, मनोज भैया, धर्मेंद्र भैया के माध्यम से मुझे और पवन भैया को इसका मुख्य संयोजक कहीं ना कहीं आपकी दूरदृष्टि को, पता नहीं हमने कौन सा पुण्य किया है, हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव एक बात में जब आपसे चर्चा होती है आप बोलते हो कि 1995 के अंदर भोपाल में यह रथ यात्रा निकली थी, और उसके बाद गुरुदेव मेरे मन में बार बार संकल्प पिछले 8-10 दिन सोच रहा हूँ कि गुरुदेव ने आज 29 साल बाद इंदौर को यह अवसर या इंदौर का ऐसा कौन सा पुण्य गुरुदेव कि यह पुण्य अवसर इंदौर को प्राप्त हो रहा है। यह बहुत जबरदस्त संघ गुरुदेव पिछले 8-10 दिन से 24 घंटे सता रही गुरुदेव, या आपने इंदौर में क्या देखा या धर्म प्रभावना समिति के 9 रत्नों में आपने क्या देखा गुरुदेव, शंका दूर करे गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूंगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन करे, ये लोग रात दिन एक करके इस महामहोत्सव को पूरी तरह से संपन्न करने में लगे हैं। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं और जो अभी ग्राउंड में लगे हैं, एक बार सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए जोरदार करकर धन्य। जहाँ तक सवाल है 1995 का, निश्चित भोपाल में एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था, पर उसमें 108 रथ यात्रा नहीं थी, रथ तो 3 ही निकले थे पर वो गजरथ यात्रा थी और वो एक मिसाल थी। वैसी यात्रा
भोपाल के इतिहास में उससे पहले और उसके बाद नहीं निकली। पहला ऐसा हिंदू समाज का जुलूस था जो उस रास्ते से निकला, वो अद्भुत था और आज भी उसकी स्मृतियां हम सबके जहन में हैं। 1995 के चातुर्मास में वो शोभा यात्रा थी, वो अद्भुत थी। आपने कहा उसके बाद आपने इंदौर को क्यों चुना, यह चुना नहीं है, ये एक संयोग है। अवसर हर साल आते हैं, उत्सव हर वर्ष मनाए जाते हैं, लोग मनाते हैं भांति भांति तरीके से, शोभा यात्राएं भी निकलती हैं। लेकिन इंदौर में इस बार योग बना, 108 मंडलीय विधान हो रहा है। तो 108 मंडली विधान हो रहा है तो मेरे मन में आया कि रथ यात्रा भी 108 ही निकाले। जब हमने हर भगवान की पूजा की तो हर भगवान की आराधना होनी, इंदौर जैसा शहर निमित्त बन गया। और निमित्त बना तो हमने कहा यहाँ तो भावना भी है और संभावना भी। मेरे मन की भावना मैंने अशोक भाई और अभय भाई से कहा, महाराज लोगों के सामने रखी बात, महाराज ने कहा महाराज जी इससे अच्छी बात क्या होगी। तो फिर उसके बाद हमने कमेटी से बोला, और एक बात तो मैं कहूँगा, यहाँ की कमेटी में ना तो कुछ होता ही नहीं, जो निकल जाए वो कर लेते, कहने की भर देर। इशारा बस महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग कमर कस के तैयार खड़े हैं। और आज ये बहुत तत्परता के साथ, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ ये लोग और दो कदम आगे जाते हैं, मैं ही थोड़ा स्लो कर देता हूँ कि भैया इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी और भी बहुत काम करने हैं। लेकिन मानना पड़ेगा धर्म प्रभावना समिति की इस उत्साह की दाद देनी होगी जो बहुत तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी फूलना नहीं है, प्रशंसा में फूल जाओ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अभी तो परीक्षा आने वाली है, समझ गए। इसलिए पूरे 10 में 10 नंबर चाहिए, 9.9 भी नहीं, समझ गए ना। कितने चाहिए, 10 में से 11 नहीं, 10 में 10। जितनी मेहनत उतना ही परिणाम चाहिए, तो 10 में से 10 चाहिए। उसके लिए चौकन्ने रहने की जरूरत है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, निश्चित ये आप सबके जीवन की एक उपलब्धि होगी और ऐसी उपलब्धि की पूर्णता एक नए इतिहास की संरचना करेगी। आज मुझे मालूम पड़ा 108 रथ की आवश्यकता है, और देश भर की समाज ने जो उत्साह और भावना प्रकट की, 111 रथ की स्वीकृति आ गई। हालांकि अभी छानबीन की जा रही है, कुछ रथ ऐसे हैं जिनमें कुछ कमजोरियां हैं, उसे ठीक कर रहे लोग चाह रहे हैं और अब आ रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ जिनके अच्छे रथ हैं वो जरूर, ऐसे उत्सव में वो रथ शामिल नहीं होगा तो कहाँ होगा। हाँ, रथ के फोटोएँ भी आना शुरू हो गए, 1 तारीख के बाद से मैं चाहूँगा प्रतिदिन उन फोटुओं को दिखाया जाए, उन समाज के नाम के उल्लेख के साथ, ताकि लोग भी जान सके कि ये कहाँ कहाँ से रथ आ रहे हैं और कैसे कैसे रथ आ रहे हैं, उन रथ यात्रा में कितना भव्य महोत्सव यहाँ संपन्न होने वाला है। ये सब भावनाएं आप सबकी एक साथ जुड़ी रहनी चाहिए। इस उत्सव को महामहोत्सव के रूप में एक ऐतिहासिक स्वरूप आप सब प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी समझ है। आप सब जरूर इसमें सफल होंगे और आगे अपने बीच। गुरु जी, आज जो मीटिंग रखी गई है संयोजकों की तरफ से, एक उसका मैं फाइनल डिसीजन हमारे सभी संयोजकों को बताना चाहता हूँ, एक रथ एक समाज और एक मंदिर, इस व्यवस्था के अनुरूप हमको पूरा काम करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आज एसके जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी 78 से, इनका प्रश्न कई दिनों से लंबित रहा, आज मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो आज भी वंचित रहते। मैं चाहता हूँ आज उन्हें अवसर दिया जाए और उनका एक बार जोरदार अभिनंदन करें। एसके जैन, हाँ, एसके जैन साहब 78 जो गुणायतन के ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न। जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
परिग्रह को समझने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जिसमें दो मुख्य हिस्सों पे कि हम ये कैसे पता करें कि कब हम ज़रूरत की रेखा लांग के परिग्रह में चले गए हैं, और दूसरी बात, क्या परिग्रह केवल वस्तुओं में हो सकता है, रुपयों पैसों में नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। परिग्रह की सीमा रेखा क्या बनाए, जरूरत की सीमा हम कैसे निर्धारित करें, और परिग्रह का संबंध केवल रुपयों पैसे तक है, वस्तुओं से है या व्यक्तियों से भी, आपका ऐसा ही आशय है। देखिए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो परिग्रह का पूर्ण आदर्श तो तिल तुष्ट मात्र भी नहीं रखना। हम लोग अपरिग्रह के पूर्ण आदर्श को धारण करते हैं, लेकिन आम गृहस्थ के लिए ऐसा नहीं कहा गया। आम गृहस्थ के लिए सीमित परिग्रह का उपदेश दिया गया, क्योंकि आप उसके बिना अपना, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का निर्वाह नहीं कर सकते। तो जरूरत के लिए परिग्रह रखना, जरूरतमंदों के लिए परिग्रह रखना, ये अपेक्षित है, आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल जरूरत और जरूरतमंदों के लिए ही रखें। जैन परंपरा में अनेक राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और सेठ साहूकार हुए, जिनके पास बेहिसाब संपत्ति थी। चक्रवर्तियों के पास तो 14 रत्न और 9 निधियां भी रहती थी। तो क्या वे अपरिग्रह के प्रति आस्थावान नहीं थे? ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वे सब लोग परिग्रह के प्रति, अपरिग्रह के प्रति आस्थावान भी थे, लेकिन फिर भी वे परिग्रही थे, पर उनके अंदर वैसी प्रगाढ़ आसक्ति नहीं थी। ये अपरिग्रह के आदर्श के प्रति उनकी आस्था की अभिव्यक्ति है कि इनमें से अधिकांश ने अंत में सब राज पाट धन वैभव का परित्याग कर दिगंबर मुद्रा को धारण किया और अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति बने, पुराण बताते। और कुछ लोग जो ऐसा नहीं कर पाए, तो हमारे यहाँ ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने खूब जी भर करके धन का संग्रह किया और जरूरत पड़ने पर पूरा खजाना लुटा दिया, चाहे वो भामा शाह हो, चाहे जगलू शाह हो, या टोडर मल जैसे लोग। तो दो दृष्टियाँ, एक संग्रह और दूसरा परिग्रह। धन का संचय करना संग्रह है और धन में आसक्ति रखना परिग्रह। संग्रह करिए पर आसक्ति मत रखिए, संग्रह अनुग्रह के लिए कीजिए। जब जरूरत हो स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन को लगाने में रंच मात संकोच मत कीजिए, समझ गए? और केवल संग्रह के लिए संग्रह करोगे पतन हो, तो ये एक सीमा है जिसे हमें समझना चाहिए। जहाँ तक परिग्रह का संबंध वस्तुओं, पैसे या व्यक्तियों से है, तो मैं कहता न तो वस्तु से, न पैसों से, न व्यक्ति से है। परिग्रह का संबंध हमारे मन में पलने वाली आसक्ति से है, मूर्छा से है, मूर्छा परिग्रह। अगर किसी के पास एक धेला भी नहीं है पर प्रगाढ़ आसक्ति है तो वो परिग्रही है। और कोई अपार संपत्ति का धनी है लेकिन उसे अपना नहीं मानता, अनासक्त है, तो अपेक्षाकृत अपरिग्रही। तो हम अपने अंदर की आसक्ति को मिटाएं, अनासक्त भाव से संग्रह करें और संग्रहित का सद्व्यय करें, यही एक मार्ग। नमस्तु महाराज। हाँ बोलो। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सज्जन ग्रुप के 100 से अधिक सदस्य हैं। हम 2005 से ब्लड ग्रुप डोनेशन
और कपड़ों का अनाथों को कपड़ों का वितरण, भोजनशाला अनाथों को भोजनशाला में वितरण सारे कई वर्षों से हम करते जा रहे हैं और हर वर्ष भक्तामर जी का पाठ हम 24 घंटे का हर मंदिर में कर रहे हैं। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम अब ऐसा क्या कार्य कर सकें धर्म का और मानव सेवा का, ऐसा कार्य कर सके कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जो कर रहे हो इसको इतने अच्छे से करो कि आने वाली पीढ़ी अपने आप प्रेरित होते रहे और लाभ मिले। ओम आनंद। गुरुदेव, बस छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, इन लोगों को एक सजेशन है। बहुत फाइन। जो धर्म प्रभावना समिति के बैनर पे काम चल रहा है और रथ संयोजक दोनों से मैं निवेदन है कि 108 रथ अगर निकल रहे हैं तो क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन सकता? बनेगा, चालू नहीं तो इसकी प्रोसेस होती है, ग्रीनीज बुक की एक प्रोसेस। तो यहाँ क्यों कर रहे हो? अच्छा, अलग से चर्चा कर लेना। चलो रिजी जैन बड़वानी, अपने बीच में कोयला परिवार, कोयला परिवार से आकिंचन जी जैन मुंबई से यहाँ उपस्थित हैं। पूरा कोयला परिवार एक साथ खड़ा हो जाएगा, एक प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में सुनीता जी लोहाड़िया इंदौर जो भावना युद्ध के ऊपर अपना प्रश्न करना चाह रही। समस्त मंचासीन गुरुओं के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे चैतन्य श्री माता जी की संलेखना चल रही है उसी विषय में मेरा प्रश्न है, क्या मिथ्या दृष्टि जीव की भी संलेखना की कोई विधि होती है क्या? मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि संलेखना कोई भी कर सकता है। मैं तो ये देखता हूँ कि संलेखना देख करके अच्छे अच्छे मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि बदल जाती है। जिसको देख कर दूसरा सम्यक दृष्टि हो जाए हमें उसके सम्यक पर संशय करना उचित नहीं। सुनीता जी लोहाड़िया इंदौर और उसके बाद में हैप्पी भैया तैयार रहेंगे। हैप्पी भैया नहीं, हैप्पी बहन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम 20-25 रोज से रोज स्वाध्याय करके बाद भावना करते हैं मंदिर में, जिसमें 2-3 जनों को फायदा भी है। तो महाराज जी, मंदिर में हम स्वाध्याय भावना कर सकते हैं? कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए, पर स्वाध्याय के साथ नहीं, स्वाध्याय के बाद ही करते हैं महाराज जी, ताकि दूसरे मंदिर में भी स्वाध्याय के बाद लेडीज भावना कर सके। बहुत बढ़िया, उससे 2-3 जनों को फायदा भी है। बहुत सुंदर, करिए हैप्पी जैन। और उसके लिए कोई दूसरा भावना योग भी है क्या? यही करिए। हाँ, हैप्पी जैन मुंबई अपना प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में, और उसके बाद में रिया रत्नेश जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में कोटिशह नमन। महाराज श्री, जिंदगी रंगमंच है, हम इसके किरदार हैं। जिंदगी के पहले कौन सा रंगमंच था, जिंदगी के बाद कौन सा रंगमंच मिलेगा यह पता नहीं। तो इस रंगमंच पर जिस पर हम सभी के लिए खड़े हैं, हम अपने स्वयं के लिए कौन सा किरदार निभाएं? नमोस्तु महाराज जी। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, जिंदगी को रंगमंच मान लो और अपनी भूमिका को केवल एक किरदार मान लो, बस यही हमारा किरदार। नमोस्तु। इतना यदि हमने मान लिया तो हमारे अंदर कहीं कोई भटकन नहीं, और इसे नहीं समझे तो सिवाय भटकन के और कुछ भी नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। रिया रत्नेश जबलपुर, और उसके बाद में कार्यक्रम की सूचना देने के लिए अभय भैया जी। ओम ओम। देखिए बधो, आने वाले अब तो चातुर्मास समाप्ति की ओर है, अब क्या बचा? 1 तारीख को दीपावली है, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, और 1 तारीख को ही हम लोगों के चातुर्मास के औपचारिक बंधन से मुक्ति। 1 तारीख को आप सब लोग निर्वाण महोत्सव मनाएंगे, और मैं चाहूँगा सब मंदिरों में भव्यता के साथ निर्वाण महोत्सव मने, और उसके बाद पूरा इंदौर सामूहिक रूप से ठीक 9 बजे यहाँ आए, और यहाँ हम लोग चातुर्मास के निष्ठापन के साथ निर्वाण महोत्सव को सानंद संपन्न करें। जितना उत्साह आपने चातुर्मास की स्थापना में प्रदर्शित किया था, निर्वाण लाडू में भी उतना ही उत्साह प्रदर्शित होना चाहिए। तो आप सभी मंदिर के लोगों तक ये संदेश पहुंचा दे कि वे अपने अपने मंदिरों के कार्यक्रम 8 बजे तक पूरे कर ले, ऐसे भी जल्दी हो जाता है भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव, ताकि 9 बजे लोग यहाँ आ सके। 9 बजे कार्यक्रम तो 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन 9 बजे निर्वाण लाडू और चातुर्मास निष्ठापन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ये सारा कार्यक्रम आप लोग समय पर करेंगे तो सभी को आनंद आएगा। ये संदेश सब तक आज ही से पहुंचा देना चाहिए, जो हम सबके जीवन के लिए एक विशेष आधार बनेंगे। और समय आप सबका हो गया, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान,